नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बुध ग्रह के बारे में। देखिए, मैं हमारी जो सीरीज चल रही है नौ ग्रहों की चल रही है, नौ ग्रहों की, उनमें अगर आपकी कोई भी ग्रह खराब हो तो क्या रेमेडीज करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो आज मैं आपको बुध ग्रह के बारे में बताऊंगी। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है या फिर आपके जीवन में बुध ग्रह का गलत प्रभाव है या फिर कमज़ोर है बुध, तो क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। और परेशानियाँ तो आ गई, लेकिन उसका उपाय वो भी मैं आज आपको साथ ही साथ बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो फिर शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसी लग रही है या फिर कोई सवाल आपके अंदर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बुध ग्रह मरकरी के बारे में शुरू करते हैं। इसमें जो नौ ग्रह हैं उसमें इनको बुध ग्रह को युवराज की पदवी मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है, युवराज या फिर राजकुमार, यही इसी का उपाधि मिली हुई है। तो ये ग्रह भी इसी लाइक इसी तरह के होते हैं। और देखिए, इनकी जो बुध की जो महादशा होती है 17 साल की महादशा होती है। किसी भी व्यक्ति के लाइफ में अगर बुध ग्रह आता है तो वो 17 साल के लिए आता है। ये महादशा मैं बता रही हूँ, अंतरदशा छोटे छोटे काल के लिए होते हैं, लेकिन महादशा जो कि बड़े समय के लिए होते हैं वो हुए 17 साल के। तो देखिए, बुध ग्रह जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह होती है, और ऐसा कहा गया है कि बुध जो है बुद्धि को नियंत्रण करता है, बुध ग्रह बुद्धि को नियंत्रण करता है, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है और हमारी वाणी के प्रभाव डालता है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल क्या है, लोगों से हम लोग जुड़ रहे हैं तो किस लेवल पे जुड़ रहे हैं, किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, और व्यक्तित्व सारे चीज़ों का नेतृत्व तो हमारा ये बुध ग्रह करते हैं। और देखिए, एकाग्रता का भी, कंसंट्रेशन आपकी बन रही है या नहीं बन रही है, इन सभी चीज़ों का नेतृत्व सारा कुछ हमारे बुध ग्रह करते हैं। और देखिए, बुध ग्रह जो होते हैं, यदि आपके लाइफ में कमज़ोर हैं या फिर आपके कुंडली में कमज़ोर है तो क्या इफेक्ट हो सकती है, क्या समस्या आ सकती है आपके लाइफ में। तो देखिए, पहली बात, व्यक्ति अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। यदि किसी की भी बुध ग्रह कमज़ोर है या फिर कुंडली में उनकी अवस्था ठीक नहीं है या फिर अस्त अवस्था में या फिर पाप ग्रह से दृष्टि युक्त है, तो व्यक्ति में अपनी बुद्धि का वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा क्या करें क्या नहीं करें। और देखिए, और बुद्धि कमज़ोर होगी, मंद बुद्धि हो सकती है, कमज़ोर बुद्धि हो सकती है, या फिर ना बुद्धि ही नहीं होगी, इस टाइप का मतलब परेशानियां आ सकती हैं यदि बुध आपकी कमज़ोर हो या फिर बुध की स्थिति खराब हो कुंडली में। और देखिए, कोई भी बात, कोई भी चीज़ को जल्दी नहीं समझेगा व्यक्ति जिसकी भी बुध कमज़ोर होगी या फिर किसी तरह से बुध की स्थिति ठीक नहीं हो, तो किसी भी बात को जल्दी नहीं समझेंगे। और देखिए, बुध के कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति की वाणी को काफ़ी प्रभाव, क्योंकि बुध जो हमारा जो होता है ना, वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का, इन सभी चीज़ को नेतृत्व करते हैं। तो जिन भी व्यक्ति का बुध कमज़ोर होगा तो उनके वाणी जो है वो प्रभावशील नहीं होगा, उनका जो पानी अच्छा नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति पे बोलेंगे तो उनका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अपनी बातों को सही तरीक़ों से लोगों को समझा नहीं पाएंगे। अपनी बात जो वो कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। और देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है, यदि बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, तो व्यक्ति में तूतलाना, हकलाना, या फिर रुक रुक के बोलना, या फिर लेट से बोलना, कुछ बच्चे होते हैं जो लेट से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि बुध कमज़ोर है, इस वजह से वो ये प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। बुध को काफ़ी ज़्यादा चंचल ग्रह बोला जाता है, तो चंचलता के कारण एकाग्रता की कमी हो सकती है, व्यक्ति में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना। बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगा सकते, कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, यदि बुध उनकी कमज़ोर है तो वो व्यापार सही तरीके से नहीं, कन्फ्यूज, कभी यहाँ कभी वहाँ, दुविधा में डालने की स्थिति बना देती है बुध यदि कमज़ोर हो तो। और बहुत ज़्यादा बुद्धि भटकती है इधर उधर ज़्यादा। और देखिए, बुध जो है कमज़ोर होता है, तो देखिए बुध जो है ना हमारे स्किन को भी, स्किन से भी रिलेटेड होता है, तो यदि बुध हमारी कमज़ोर है तो हमें स्किन संबंधी डिजीज भी हो सकती है, लाइक एलर्जी हो सकता है, खुजली, दाने, दाग धब्बे, और एक्जिमा, ज़्यादा बुद्धि कम बुध कमज़ोर हो और साथ में राहु का इफेक्ट हो, यदि बुध और राहु का इफेक्ट हो तो एक्जिमा वगैरह, इस तरह का स्किन डिजीज हो सकती है।
यदि बुध कमजोर हो तो, और व्यापार पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर बुध कमजोर हो। और देखिए, बुध कमजोर होने से हमारा कम्युनिकेशन स्किल को भी खराब करता है। यदि बुध हमारी कमजोर हो और बुध पे दृष्टि हो किसी पाप ग्रह का, या फिर अच्छी दृष्टि नहीं हो, तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल, हम लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे, तो ये भी एक तरह से करते हैं। और देखिए, बुध जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल में क्या आता है, सुनना बोलना, इन सभी चीज़ों की समस्या हो सकती है यदि हमारा बुध कमजोर है। तो ये तो इन सभी चीज़ों से पता चलेगा कि हमारे बुध कमजोर है। अब उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं, तो देखिए, बुध जो है, गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए हैं। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजन करें, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, 108 बार दिन में एक बार जरूर जाप करें। उसके बाद हरी सब्जियां का सेवन ज़्यादा करें, हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, हरे कपड़े पहने, हरे रुमाल रखें, मतलब हरी हरी चीज़ों के ज़्यादा प्रयोग करें, तो इससे आपके बुध हद तक ठीक हो सकती है। और सुबह उठ के नहा धो के 108 बार गायत्री मंत्र का भी जाप करें। गायत्री मंत्र के जाप करने से भी आपकी बुध अच्छी होगी, बुध की स्थिति स्ट्रांग होगी। और गणेश जी का आप जितना ज़्यादा पूजा कर सके कर सकते, और जुल सूर्य देव को जल अर्पित करें। और देखिए, बुध बुध यदि कमज़ोर है तो आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो गणेश जी को आप दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। और खाली पेट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपके बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, कम्युनिकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप खाली पेट अपना तुलसी का सेवन करें। तो तुलसी के पत्ते को ग्रहण करने से आपकी बुध स्ट्रांग होगी। यदि ज्यादा बुध कमजोर है, ज्यादा बुध की स्थिति खराब है, तो आप रत्न के तौर पर 6-7 रत्ती का ओनेक्स आप धारण कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी में बुधवार के शाम को छोटी उंगली में आप पहन लें, तो इससे काफी ज्यादा लाभ होगा, आपको बुध की स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आज आपको बुध ग्रह के बारे में बताना चाहती थी। यदि आपकी कमजोर बुध है, यदि बुध की स्थिति ठीक नहीं है, तो उपाय कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।